Hello children, in this video we are going to do a Python program to search for an element in a given list of numbers. ओके हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को सर्च करेंगे. ओके वी विल फाइंड आउट एनी एलिमेंट इन अ लिस्ट. ओके सो फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है. तो यहाँ पे हम यूजर से इनपुट लेके लिस्ट बना रहे हैं. इनपुट फंक्शन की हेल्प से हमारा प्रॉम्प्ट अपीयर होगा एंड यूजर इनपुट प्रोवाइड होगा, राइट. और आपको पता है कि इनपुट फंक्शन हमेशा क्या करता है, इनपुट लेता है इनपुट लेता है स्ट्रिंग फॉर्म में, राइट. ओके अब उस स्ट्रिंग को पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, इंटीजर डेटा टाइप या फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, इवेल फंक्शन है. ओके इवेल फंक्शन क्या करता है, जो भी आप डेटा टाइप एंटर करोगे इंटीजर करोगे तो इसको स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट कर देगा. अगर आप फ्लोट एंटर करोगे तो वो स्ट्रिंग टू फ्लोट उसको कन्वर्ट कर देगा. ओके इनपुट फंक्शन क्या करता है, एज अ स्ट्रिंग वैल्यू लेगा, जो भी यूजर इनपुट करेगा वो एज अ स्ट्रिंग लेगा. लेकिन इवेल फंक्शन क्या करेगा, उस स्ट्रिंग वैल्यू को उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा, राइट. अगर इंटीजर वैल्यू है तो स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट वैल्यू है तो फ्लोट टू तो स्ट्रिंग टू फ्लोट वैल्यू कन्वर्ट कर देगा, राइट. हमने यूजर से लिस्ट को एंटर कराया और उस लिस्ट को हमने लिस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, फाइन. नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने लेन फंक्शन की हेल्प से क्या किया, लिस्ट की लेंथ को निकाल लिया. लेंथ क्या, लेंथ का क्या मतलब है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. ओके आपने लेन फंक्शन में लिस्ट को पास किया और निकल के आ गया उसमें कितने एलिमेंट्स है, लाइक फोर एलिमेंट्स हैं, फाइव एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो गए, लेंथ वेरिएबल में, फाइन. अब नेक्स्ट हमने क्या, हमने लिस्ट बना ली. ओके लिस्ट की लेंथ निकाली. अब नेक्स्ट हमें क्या है, हमें वो एलिमेंट चाहिए जो हमें सर्च करना है. ओके हम ये बताएंगे कौन सा एलिमेंट हमें लिस्ट में सर्च करना है. तो उसके लिए आपने इनपुट, फिर से इनपुट फंक्शन का यूज किया और प्रॉम्प्ट यूजर से इनपुट कराओगे, एंटर एलिमेंट टू बी सर्च्ड फॉर. ओके आप यूजर से क्या एंटर कराओगे, वो एलिमेंट जो आपको सर्च करना है लिस्ट के अंदर, फाइन. अब आपने इसको इवेल भी दे सकते थे और यहाँ पे इंट फंक्शन से क्या किया, बिकॉज हम क्या करें इंटीजर वैल्यूज में सर्च करें, तो आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर, इंट फंक्शन की हेल्प से इंटीजर में. ओके क्योंकि इनपुट क्या होता है, एज अ स्ट्रिंग लेता है इनपुट को, इनपुट फंक्शन एज अ स्ट्रिंग लेता है, तो इंटीजर फंक्शन ने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, फाइन. अब हमारे पास एलिमेंट कहाँ पे आ गया, एलिमेंट वेरिएबल के अंदर. जो भी यूजर एंटर करवाएगा वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, एलिमेंट वेरिएबल के अंदर, राइट. ओके नाउ वी हैव लिस्ट, हमारे पास लिस्ट है और वो एलिमेंट भी है जो हमें लिस्ट के अंदर सर्च करना है, राइट. अब क्या करना है, लिस्ट को ट्रेवर्स करना है, वन बाय वन लिस्ट के एलिमेंट्स के पास जाके सर्च करना है कि कौन सा एलिमेंट हमें चाहिए, राइट. कौन जो एलिमेंट हमने लिखा है क्या वो लिस्ट के अंदर है कि नहीं है, फाइन. तो इसके लिए आप क्या करोगे, लूप लगाओगे. आपने फोर लूप लगाया, फोर आई इन द रेंज जीरो, ओके जीरो टिल लेंथ. और लेंथ क्या आपका एंडिंग इंडेक्स है और एंडिंग वैल्यू है, एंडिंग वैल्यू इज ऑलवेज माइनस वन, फाइन. ओके अब हम क्या करेंगे, फोर लूप की हेल्प से लिस्ट एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे, फाइन फाइन. अब देखो ये जैसे हमारी लिस्ट है, हमने लिस्ट को एंटर कराया, टू फोर सिक्स एट नाइन, ये हमारी लिस्ट है, फाइन. ओके ये हमारी लिस्ट है. अब इसको ट्रेवर्स फोर लूप की हेल्प से कैसे ट्रेवर्स करेंगे, पहले आई क्या करेगा, जीरो इंडेक्स की वैल्यू को लेगा, आपकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, टू, फाइन. अब ये नीचे जाएगा, इसका कंट्रोल नीचे जाएगा, इफ एलिमेंट इज इक्वल टू लिस्ट आई. अब वो क्या पूछ रहा है, क्या कंडीशन दी है, इफ एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट में वो एलिमेंट है जो हमने इनपुट कराया जो हमें सर्च करना है, फाइन. तो हमने क्या कंडीशन दे दी, अगर वो एलिमेंट किसके इक्वल है, लिस्ट आई के इक्वल है, मतलब जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके इक्वल है, तो क्या प्रिंट हो जाए, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स आई, फाइन. एलिमेंट मिल गया है, जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट हमें चाहिए था वो मिल गया है, कौन से इंडेक्स पर, आई इंडेक्स पर. ओके और ब्रेक हो जाए, ब्रेक मतलब ये फिर आउट ऑफ द लूप आ जाएगा, फाइन. और अगर नहीं है तो क्या होगा, अगर नहीं है तो अभी यहाँ पे फोर लूप पूरा कंप्लीट चलेगा, फाइन. तो अब यहाँ पे ऊपर फिर से कंट्रोल ऊपर जाएगा, फिर से कंट्रोल ऊपर जाएगा, आई अब क्या करेगा, वन इंडेक्स की वैल्यू लेगा, दैट इज फोर, फोर, राइट. फोर को लेगा, पहले जीरो इंडेक्स की वैल्यू लेगा, फिर वन इंडेक्स की वैल्यू लेगा, फिर टू इंडेक्स की वैल्यू लेगा, ऐसे करके अब वन इंडेक्स की वैल्यू फोर ली.
तो आपने क्या किया, फिर से अब चेक, फिर नीचे आएगा कंट्रोल, फिर चेक होगा इफ एलिमेंट, जो हमने एलिमेंट हमें सर्च करना है क्या, ठीक है, इज इक्वल टू, ये जो डबल इक्वल टू क्या होता है, वो कंपेयर करता है, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, फाइन। तो ये क्या कंपेयर करता है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को राइट हैंड साइड वैल्यू से ही कंपेयर करता है कि क्या वो दोनों वैल्यूज इक्वल है, फाइन। तो वो एलिमेंट अब इससे कंपेयर करेगा क्या लिस्ट के जो वन इंडेक्स पे वैल्यू है वो एलिमेंट है, वो एलिमेंट है जो हमें चाहिए, अगर है तो प्रिंट हो जाए कि एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 0, सॉरी इंडेक्स 1, फाइन। अदरवाइज क्या होगा, फिर से लूप चलेगा, ओके। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि हमें वो वैल्यू मिल नहीं जाती। अब यहाँ पे देखो, हमने एंटर एंटर एलिमेंट टू बी सर्च्ड फॉर इज 9, हमने 9 को एंटर किया हो कि हमें 9 को फाइंड आउट करना है, और 9 हमारा यहाँ पर है, आपका 9 कौन से इंडेक्स पे आ गया, 0, 1, 2, 3, 4, 4 इंडेक्स पे आपका 9 आया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये लिस्ट फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू को कंटेन करेगा तो क्या होगा, हमें एलिमेंट मिल गया है, एलिमेंट मिल गया है तो आपका प्रिंट हो जाएगा 9 फाउंड एट इंडेक्स 4, आपके पास रिजल्ट आ गया 9 फाउंड एट इंडेक्स 4, फाइन। और उसके बाद लूप क्या होगा, फिर ब्रेक स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट करेगी और कंट्रोल बाहर आ जाएगा, फाइन। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, आपने फाइंड आउट कर लिया कि आपका एलिमेंट कहाँ पर है और कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसकी लिस्ट में या नहीं, और अगर करता है तो कौन से इंडेक्स पर है, फाइन। अब मान लो आपने वो वैल्यू दी जो लिस्ट के अंदर है ही नहीं, ओके। तो उसके लिए आपने क्या किया, फोर के साथ एल्स का भी यूज किया हुआ है, एल्स स्टेटमेंट का। अगर पूरा फोर लूप कंप्लीट करने के बाद भी, पूरा फोर लूप चलने के बाद भी वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो क्या प्रिंट हो, तो प्रिंट हो एलिमेंट नॉट फाउंड इन द गिवन लिस्ट, ओके। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट एग्जाम्पल में यही लिया, लिस्ट आपने दी, लिस्ट एंटर कराई और एलिमेंट सर्च करने के लिए कौन सा बोला, 30। अब 30 तो लिस्ट के अंदर है ही नहीं, फाइन। आपका 2, 4, 6, 8, 9, 10 एंड 20 है लिस्ट में, 30 है ही नहीं। तो क्या होगा, जब ये फोर लूप पूरा चल जाएगा, 0 से स्टार्ट करेगा और एंड तक चलेगा, सारे एलिमेंट्स को सर्च करेगा, सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन एक्सेस करेगा और उस एलिमेंट 30 के साथ कंपेयर कराएगा, फाइन। और जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, फोर लूप हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो क्या, कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, फोर लूप का एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, बिकॉज अब फोर लूप क्या है, हमारा फॉल्स हो चुका है, कंडीशन इसकी फॉल्स हो चुकी है, तो उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, एलिमेंट दैट मीन 30 नॉट फाउंड इन द गिवन लिस्ट, फाइन, ओके। सो इन दिस वे वी हैव सर्च्ड अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स।